हेलो एवरीवन टुडे माय टॉपिक इज फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट एटीन सेंचुरी हुई सिक्सटीन लुई सिक्सटीन वाज किंग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग दैट टाइम इन 1774 लुई फोर सिक्सटीन ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड एसेंडेड थ्रोन ऑफ फ्रांस व राज्य की गद्दी पर सेवेंटीन में बैठा वेन ही वॉज ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड ही गेट मैरिड टू द ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट आप सभी जानते हो मैरी एंटोनेट काफ़ी खर्चीली स्वभाव की लेडी थी जो ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस थी एक बार पेरिस की गलियों में जब वो हाई प्राइस के लिए एक रैली हो रहा था लोग इकट्ठा गैदर हो गए फ्लैग मार्च कर रहे थे तो उसने कहा कि जब ये ब्रेड मांग रहे हैं ब्रेड इनके पास नहीं है लेट गिव देम केक उन्हें केक दे दो तो आप इससे समझ सकते हो कि वह डे टू डे के यूज थिंग्स के बारे में अनवेयर थी सो अपॉन ही सक्सेशन द न्यू किंग फाउंडेड एंड इमर So questions rises from here. What were the causes for the impetuous for France under Louis XVI? You pipe marks ke questions The first war, long year of war, had drained the financial resources of France. Aap seven years war. 1756 फिफ्टी सिक्स टू सेवनटीन सिक्सटी थ्री के बीच सात सालों तक वार हुआ है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जिसमें लुई पार्टिसिपेट किया था तो इस इतने लंबे समय तक वार होंगे तो क्या होगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ तो होगा ही पैसे की खर्चा तो होगा ही निकासी तो होगी ही और ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन के समय 1746 टू 48 के समय भी ब्रिटेन और फ्रांस एक बार लड़ चुके थे दो सालों तक इसका इम्पैक्ट हम लोग एट क्लास में कर्नाटिक वार के समय भी देखे थे भारत में भी इसका इम्पैक्ट पड़ा था तो वार के कारण फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ फ्रांस ड्रेन आउट होता था सेकंड प्लेस ऑफ वार्सलेस प्लेस ऑफ वार्सलेस है एंड इट हैज़ कैपेसिटी टू होल्ड सेवन थाउजेंड पीपुल एट ए टाइम एक समय में यह सेवन थाउजेंड पीपुल को अपने पास रख सकता था तो इतने बड़े पैलेस का मेंटेनेंस में खर्च होती थी बहुत बड़ बहुत बड़े बड़े गैलरी रूम मीटिंग हॉल्स थे इसमें सिक्सटीन हेल्प थर्टीन अमेरिकन कॉलोनी टू गेन गैन इंडिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस दिलाने में मदद किया था दैट्स अमेरिका यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गेट एंड इंडिपेंडेंस इन 1776, सेवेंटी सिक्स सेवेंटी सिक्स को इंडिपेंडेंस हुआ था और लोन अब पहले से से वन बिलियन लिब्रे लिब्रे यूनिट करेंसी है फ्रांस का जो 1794 तक चला से टू बिलियन लिब्रे हो गया क्योंकि और उधार लेना पड़ा इसे और लेंडर्स जो हैं बिगैन टू चार्ज टेन परसेंट इंटरेस्ट ऑन लोन अब जो उधार देंगे वो इंटरेस्ट तो लेंगे ही इससे क्या हुआ खजाना और खाली हो गया फिफ्थ है टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस मेंटेनिंग एन आर्मी द कोर्ट रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस और यूनिवर्सिटी इसके इन सब चीजों को भी चलाने के लिए फ्रांस के गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ता था अब नाउ सोसाइटी व्हाट वाज द सोसाइटी The society of estate was part of the feudal system. Feudal system, old region, before 1789. It was divided into three parts. First, estate belongs to the clergy, and they, uh, they were privileged class. They paid no taxes to the government. Yeah. गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देता था और विशेषाधिकार प्राप्त क्लास था बल्कि इसे टैक्स लेने का अधिकार था थर्ड स्टेट से जैसे एक टैक्स ये लेता था जिसे टाइड्स कहते हैं जो वन बाई टेंथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का होता था अगर कोई फार्मर आ, एक सौ के जी अनाज ग्रैंड प्रोड्यूस करता है तो उसे दस के जी कोट ये चर्च को दे देना पड़ेगा एज ए टाइथ के रूप में स्टेट दिलोंग्स नोबल नोबल्टी और इसे भी प्रिविलेज क्लास था एंड हैविंग राइट्स फ्रॉम बर्थ ठीक है एंड दे वी आर लैंडलॉर्ड क्लास एंड दे ऑल्सो पेड नो टैक्स टू द government या yeah, गवर्नमेंट को कोई cool टैक्स नहीं देता था बदले बल्कि इनकेस ऑफ इमरजेंसी के समय में यह yeah, गवर्नमेंट को या किंग युद्ध में पार्टिसिपेट करता था और आर्मी का सपोर्ट करता था नोबिलिटी बल्कि इससे भी अधिकार थे टैक्स लेने का जिसे फ्यूडल ड्यूज कहते हैं और या फ्यूडल ड्यूज चार्ज करता था थर्ड स्टेट से पीजेंट्स वे आर ओब्लिज टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड्स टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड वह उसके घर या खेतों में काम करना पड़ता था उसके लिए जो है आर्मी का सर्विसेस देना पड़ता था टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स रोड बनाने में भी मदद करनी पड़ती थी यह जो है फ्यूडल ड्यूज होता था हर एक फैमिली को कम से कम मंथ में दो दिन लगभग मुफ्त में काम करना पड़ता था नोबल्टी के लिए third states. the peasants, artisans, city workers, and middle-class middle class people, a small businessman, teachers, doctor, lawyer, or civil servant belongs to third state. the unprivileged, unprivileged class is called third state. all such people had no political rights. And दे पैड टैक्स टू द गवर्नमेंट एक्चुअली ये सबके लिए टैक्स देता था सबों को कुछ ना कुछ देता था द किंग के लिए एक डायरेक्ट टैक्स देता था जिसे टाइल कहते हैं एक्चुअली टाइल इट वॉज ऑल्सो ए काइंड ऑफ टैक्स विच वॉज पेड बाई द पीपुल ऑफ थर्ड स्टेट डायरेक्टली टू द स्टेट जो वेरी करता यह अप्रोक्स वन बाई फोर्थ होता था मतलब अगर सौ के जी है तो पच्चीस के जी के आसपास आपको दे देना होगा अनाज गवर्नमेंट को क्लर्जी के लिए जो है टाइथ देता था और नोबल्टी के लिए फ्यूडल ड्यूज देता था चिल्ड्रेन एक और चीज आप जान लें पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है फ्रांस में वो बड़ा ही अलग ढंग से है थर्ड स्टेट्स के का पॉपुलेशन 90 परसेंट था और सेकेंड स्टेट 8 परसेंट और फर्स्ट स्टेट 2 परसेंट मतलब फर्स्ट फर्स्ट और सेकेंड 10 परसेंट थे बाकी 90 परसेंट थर्ड स्टेट का पॉपुलेशन था बट लैंड होल्डिंग अब जब देखेंगे तो फर्स्ट स्टेट के पास फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के पास 60 परसेंट लैंड थे सेकेंड स्टेट के पास था और 40 परसेंट लैंड थर्ड स्टेट के पास था जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसके पास 90 परसेंट जिसकी जनसंख्या वो लैंड होल्डिंग कितना कर रहा है 40 परसेंट इसका मतलब है 40 परसेंट लैंड पर ही 40 परसेंट लैंड से ही आ, किंग जो है टैक्सेशन मिल रहा है और परसेंट लैंड तो टैक्स फ्री है तो राज्य की आमदनी कहां से बढ़ेगी यह सिचुएशन था फ्रांस का ड्यूरिंग लेट और इसमें भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों डिस्क्राइब द फ्रेंच डिविजन ऑफ सोसाइटी फाइव मार्क्स का क्वेश्चन होगा क्या इसको शॉर्ट क्वेश्चन थ्री मार्क्स का पूछता है एक्सप्लेन द टर्म फर्स्ट स्टेट या एक्सप्लेन द टर्म सेकेंड स्टेट एक्सप्लेन द टर्म थर्ड स्टेट सेपरेट अगर पूछेगा तो थ्री मार्क्स का क्वेश्चन होगा नेक्स्ट द स्ट्रगल टू सर्वाइव नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे